नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक खंडेलवाल। आज हम जो हाइपोथायरायडिज्म, जो थायराइड की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, उसमें मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि उसका ट्रीटमेंट होता है थायरोक्सिन, जो एक दवाई हम सुबह खाली पेट खाते हैं, जिसको हम रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। तो इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जहाँ पर पेशेंट्स कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं, उन कॉमन पॉइंट्स को आज मैं डिस्कस करूँगा। तो जो ये दवाई है, वैसे मोस्टली लोगों को पता होता है कि ये दवाई सुबह खाली पेट खानी होती है, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। और ये दवाई लेने के मिनिमम आधे से पौने घंटे तक, 30 to 45 मिनट्स, आपने पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स हम पेशेंट्स के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। काफी बार वो क्या करते हैं, दवाई ली और 5 मिनट के बाद में ही चाय पी ली या कुछ और खा लिया, तो दवाई पूरी तरीके से काम नहीं कर पाती। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दिस टेबलेट हैज टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। दवाई आपने सुबह खाली पेट खानी है, पानी के साथ लेनी है, किसी और चीज़ के साथ नहीं लेना। और दवाई लेने के अगले आधे से पौने घंटे तक, मिनिमम 30 to 45 मिनट्स, आपने पानी के अलावा कुछ और नहीं लेना है। यदि ये गैप ज़्यादा हो जाए तो कोई इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ आती है कि जो ये मेडिसिन की जो बॉटल होती है, एक्चुअली जो ये थायरोक्सिन टेबलेट होती है, ये बड़ी सेंसिटिव होती है टेम्परेचर से और ह्यूमिडिटी से। यदि आप इसको एक्सपोज करते हो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर पे या एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमिडिटी पे, तो ये टेबलेट खराब हो सकती है। तो इसलिए इसको नॉर्मल कमरे में, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लिविंग रूम, जिस कमरे में हम नॉर्मल रहते हैं, उस कमरे में रखना है। कॉमन मिस्टेक हम देखते हैं काफी बार, पेशेंट्स क्या करते हैं, इसको फ्रीज के अंदर रख देते हैं या फ्रीज के ऊपर रख देते हैं, जो काफी बार काफी गर्म हो जाती है वो सतह, या उसको काफी बार हमने देखा कि पेशेंट्स वॉशरूम में रख देते हैं। वहां पे कभी कभी एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमिडिटी हो सकती है, या कभी कभी किचन में रख सकते हैं, जहाँ पे रख देते हैं, जहाँ पे काफी बार एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर हो सकता है। तो ऐसी जगह अवॉइड करना है, इसको नॉर्मल लिविंग रूम में रखना है। इसको किचन में, वॉशरूम में, रेफ्रिजरेटर के अंदर या रेफ्रिजरेटर के ऊपर, ऐसी जगह पे नहीं रखना है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टेबलेट है, दिस इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो एक जो कॉमन मिस्टेक्स हम देखते हैं कि काफी बार पेशेंट्स इस टेबलेट को, जैसे क्या करते हैं, आपने वॉशरूम से आए, आपके हाथ गीले हैं, आपने हाथ में अपनी टेबलेट निकाली, आपके हाथ में सब कुछ करो, चार टेबलेट आ गई, आपने एक गोली खा ली, एक जो गोली खा ली उसकी कोई तकलीफ नहीं है, बट जो तीन टेबलेट हैं वो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आ चुकी हैं। तो पेशेंट्स क्या करते हैं, वो तीन टेबलेट को दोबारा से बॉटल में डाल देते हैं। नाउ जो ये तीन टेबलेट मॉइस्चर के एक्सपोजर में आई है, ये वहां पे जाके बाकी और टेबलेट्स को भी मॉइस्चर से एक्सपोज करेंगी, तो इससे ये जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि ये जो टेबलेट है, ये टेम्परेचर और मॉइस्चर के लिए सेंसिटिव होती है, तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको इस टेबलेट को डायरेक्टली कैप से लेना है, जो उसका ढक्कन होता है उस ढक्कन में निकालें और ढक्कन से ही लेना है। यदि कोई टेबलेट एक्स्ट्रा रहती है तो ढक्कन से वापस डाल दें, उसको टच नहीं करने की कोशिश करें। या काफ़ी बार क्या होता है कि सपोज करो आपकी डोज डॉक्टर ने लिखी 50 mcg की, और आपके पास टैबलेट रखी हुई है 100 mcg की, तो पेशेंट्स क्या करते हैं कि आधी टैबलेट उसको तोड़ते हैं, आधी खाते हैं, आधी ढक्कन में बॉटल में वापस डालते हैं। आप आधी खा लो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बट उस आधी को फेंक दो, उसको आपने दोबारा से बॉटल के अंदर नहीं डालना। इस चीज़ का आपने बेसिकली ध्यान रखना है। एक कॉमन चीज हम देखते हैं काफी बार क्या होता है कि बिना किसी कारणवश, जैसे आप केमिस्ट के पास गए, आप एक वन पर्टिकुलर ब्रांड की थायरोक्सिन खा रहे हो, तो केमिस्ट ने सपोज करो उसको दूसरे ब्रांड से रिप्लेस कर दिया, तो उससे क्या होता है, जो TSH होता है वो काफी बार फ्लक्चुएट कर जाता है। जब तक आपके डॉक्टर ना बोलें या कोई एक कोई इंपॉर्टेंट कोई रीजन हो, आप जिस पर्टिकुलर ब्रांड पे हो, आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ स्टिक करें। बार बार मेडिसिन का ब्रांड अपनी डॉक्टर के सलाह के बिना में चेंज नहीं करिए। कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है, हम प्रैक्टिस में देखते हैं, क्योंकि ना क्योंकि सिम्टम्स होते नहीं ऐसी डिजीज में, कि पेशेंट्स मेडिसिन अक्सर भूलते हैं। वो अपनी दवाइयां काफी बार 5 5 दिन तक नहीं लेते हैं, 7 7 दिन तक नहीं लेते हैं। तो दवाई आपने रेगुलर खानी है, दवाई को मिस नहीं करना है। मतलब पहला तो आपका सिस्टम यही होना चाहिए कि मॉर्निंग में सबसे पहले इस मेडिसिन को आप खा लें। कभी ऐसा हो सकता है कि आप ये दवाई भूल जाएं। इन केस आप ये मेडिसिन भूले हैं, आपको दिन में याद आता है, तो उस टाइम पे ये मेडिसिन ले लें और कोशिश करें अगले 1 घंटे तक फिर आप कुछ नहीं खाएं। यदि ऐसा होता है कि आपको अगले दिन याद आता है कि आपने कल की दवाई नहीं ली थी, तो आप 2 दिन की डोज भी एक साथ ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 3 दिन या 4 दिन की डोज एक साथ ले पाए, ऐसा नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होता है, काफी बार पेशेंट्स साथ में, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो साथ में आयरन या कैल्शियम की दवाइयां ले रहे होते हैं,
क्योंकि थायराइड की दवाई के साथ में कुछ दवाई उसका एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं। उसमें काफी नोटोरियस है आयरन और कैल्शियम की दवाई, जैसे प्रेगनेंसी होता है, काफी बार लेडीज को प्रेगनेंसी में थायराइड की मेडिसिन चलती है और उनको आयरन कैल्शियम की दवाई भी दी जाती है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि थायराइड की मेडिसिन लेने के लगभग 6 घंटे तक, अगले 6 घंटे तक आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ नहीं लेनी होती हैं। आप यदि थायराइड की दवाई मॉर्निंग में ले रहे हो तो आयरन को या तो दोपहर में या कैल्शियम को ऐसे या तो दोपहर में लीजिए या रात में लीजिए, थायराइड की मेडिसिन लेने के अगले 6 घंटे तक नहीं लीजिए। सिमिलरली प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली बहुत सारे लोग एसिडिटी की या एंटासिड्स दवाई ले रहे होते हैं, वो आपको थायराइड की मेडिसिन लेने के अगले 45 मिनट तक नहीं लेनी है, क्योंकि जो एसिडिटिक दवाइयाँ भी होती हैं वो भी जनरली खाली पेट ली जाती हैं। तो सपोज करो आप थायराइड की मेडिसिन 7 बजे ले रहे हो, तो आप 7:45 पे अपना एसिडिटी का कैप्सूल या टेबलेट खा के उसके बाद इमीडिएटली फिर आप कुछ खा सकते हैं। तो आपका 45 मिनट का गैप ये भी हो गया और एसिडिटी की टेबलेट के इमीडिएटली बाद आप कुछ खा सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स होती है, पेशेंट्स जिस दिन टेस्ट कराते हैं उस दिन अपनी टेबलेट जनरली बिल्कुल मिस कर देते हैं। टेस्ट वाले दिन भी आपने दवाई लेनी है। यदि आप पूरा प्रोफाइल करा रहे हैं T4 TSS, तो उस दिन आपने सैंपल देने के बाद दवाई खानी है। उस दिन आपने पहले सैंपल देना था, ब्लड टेस्ट देना है, उसके बाद दवाई खानी है। यदि आप केवल केवल ओनली TSS का टेस्ट कराते हैं तो उसमें तो कोई उससे मैटर भी नहीं करता कि आपने टेबलेट पहले ली है या बाद में ली है। एक प्रैक्टिस में मैं कॉमनली देखता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेडीज होती हैं, वो फास्ट करते हैं, रिलीजियस फास्ट, जिसमें वो खाली पेट रहते हैं, जिसको हम व्रत बोलते हैं। तो व्रत वाले दिन भी आपने थायराइड की मेडिसिन सुबह 1 चम्मच पानी के साथ में आराम से ले सकते हैं। तो वो उस दिन भी आपने दवाई मिस नहीं करनी है, आप हल्के से 1 या 2 चम्मच पानी के साथ में भी थायराइड की मेडिसिन को उस दिन भी जरूर ले लीजिए। थैंक यू।